हाँ। मैं आप सब को बताना चाहती हूँ कि झारखंड में 31 मार्च 2020 को कोरोना ने दस्तक दिया है, तब से लेकर के लगातार जनता के हित में रांची नगर निगम काम कर रही है और इसके लिए लगातार हमने सरकार से भी राशि डिमांड करते रहे कि पूरे शहर में सैनिटाइज हो, जन आज तक राशि हमें उपलब्ध नहीं कराए हैं। अभी उसी समय आज कहीं ना कहीं 31 मार्च है, एक साल पूरा हो गया रांची में कोरोना का दस्तक दिया हुआ और लगातार आप देख रहे होंगे आज से एक दिन पहले 62 कोरोना पॉजिटिव रहे, आज का 182 ऐसा करके लगातार बढ़ते रहा और आज कोरोना का स्थिति पूरे शहर में कहीं ना कहीं भयावह होते जा रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो राशि हम लोग ने रखे हैं उसी राशि के माध्यम से हम अभी लोगों तक कोरोना का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो अभी समस्याएं हैं, एक तरफ कोरोना है, दूसरे तरफ पानी भी जनता को पिलाना है। पिछले बार हमारे पास टैंकर थे, उस टैंकर का उपयोग करके हम सैनिटाइज करते थे, लेकिन अब उस टैंकर से आम जनता को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं और सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास हैंडगन मशीन है जिसके माध्यम से प्रत्येक वार्ड को 6-6 उपलब्ध कराया गया है, उसी से हम स्प्रे कर रहे हैं और बाकी जो शेष है जिसमें हम लोग ने सिंटेक्स डाल करके गाड़ी में जोड़ करके लोगों तक पहुंचाते थे, ऐसे ही हम लोग पूरे शहर का सैनिटाइज करेंगे। मैं इतना अपील करना चाहती हूं कि अगर सरकार, राजधानी में सभी लोग रहते हैं, सबका दृष्टिकोण है, पक्षपात ना करके रांची नगर निगम को सहयोग करें ताकि रांची की जनता को कोरोना से बचा पाए। माध्यम से एजेंडा दिए हैं, एजेंडा नंबर 3, 4, 5, 6 और 8, तो कहीं ना कहीं इन सब एजेंडा के माध्यम से अगर आप मुझे जानकारी नहीं दे रहे हैं एज ए इस परिषद का अध्यक्ष होने के नाते, अध्यक्ष को ही जानकारी नहीं तो पार्षदों को कैसे ले जा रहे हैं। तो एक अधिकारी का काम है कि ये संस्थान को सुदृढ़ और बढ़िया ढंग से चला पाए और जनहित में काम कर पाए। देखिए इसके लिए भी कोरोना का समय था और हम लोग ने अपने परिषद का बैठक में योजना पारित कर दिए थे कि कोरोना के समय में रांची की जनता को होल्डिंग में सुविधा प्राप्त हो और एक्स्ट्रा टैक्स ना लगे, इसके लिए हम लोग ने राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किए थे, लेकिन राज्य सरकार किसी तरह का कोई अनुमति नहीं दिए और इस तरह से रांची की जनता को इसका भार सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसके लिए रांची नगर निगम के पास में ताकत नहीं है। हमने जो प्रस्ताव जो पत्र प्रेषित किए थे तो शायद और एक बार मैं राज्य सरकार से ये पत्र भेजूंगी ताकि रांची की जनता को सहूलियत मिल पाए। मैडम, कोरोना काल और लॉकडाउन के विषय पर आपने कहा कि राशि की उपलब्धता, दूसरी तरफ सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है लॉकडाउन को लेकर 144 अभी लगा हुआ है, आप खुद एक मेयर है, क्या लगता है कि पूरी तरीके से पालन हो रहा है? देखिए ये प्रशासन का काम है देखना, 144 धारा लगाई गई है और उस 144 धारा का पालन हो रहा है या नहीं, ये उदाहरण आपने देखा होगा होली के समय में। अच्छी बात है कि लोग को सुरक्षित रहना चाहिए और सुरक्षित रह करके अपना काम करना चाहिए, अनायास भीड़ भड़ाका ना करे, लेकिन सरकार तो स्वयं भीड़ में रहती है, कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके विधायक स्वयं कहीं ना कहीं होली का हुड़दन कर रहे हैं। 144 धारा सिर्फ शहर के लिए होगा या कुछ लोगों के लिए भी होगा, सरकार में रह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि शहर में तमाम लोग अपना रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, तो उनको आवाजाही का रहेगा ही। और अपना मैं इतना ही कहूंगी रांचीवासी से कि आप अपना सुरक्षा प्रदान करते हुए कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए अपना काम करें और सरकार ने या राज्य सरकार ने 144 धारा लगाए उसका भी पालन करें, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। स्वदेश वाणी।